वेलकम बैक टू आवर चैनल खपतरी इज ए किंग गाइस। थंबनेल देख के आपको पता चला है कि आज का टॉपिक पिजन फॉक्स में फॉक्स के बारे में है। बारिश का मौसम शुरू हुआ है गाइस, अभी पिजन फॉक्स आना ही आता है। उनको कितना भी कर लो, एक आधा पिजन फॉक्स आता है गाइस, इसलिए उसका इलाज क्या करना है कि मैं आप बता देता हूँ। पहले पिजन फॉक्स बोलते हैं ना, वो माता बोलते हैं हादे लोग, वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं ये बता देता हूँ। पिजन फॉक्स मच्छर लड़ने से आते हैं गाइस। बड़े खपतरू में उतर नहीं आते हैं, हमको नहीं दिखते हैं। छोटे खपतरू बहुत सेंसिटिव रहते हैं ना, उनका स्किन मच्छर काटने से उनको हाथ जहर बांध थोड़े दाने के तरह बन जाते हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो डाल जाता हूँ। उनके पैरों में, आँखों पर, चोंच के ऊपर बहुत ही बुरे हालत में होते हैं गाइस। वो छोटे ही रहते स्टम्प, हमको उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी आँख वो आके आँख बंद हो जाते हैं, पाँव सूज कर पाँव नहीं चलते हैं। बहुत डेंजरस है गाइस वो पिजन फॉक्स भी। उसको इलाज क्या करना है मैं आप बता देता हूँ। पोटाशियम परमांगनेट आता है ना, वो आप यहाँ पर एक फोटो डाल देता हूँ। उसको थोड़ा पाउडर जैसा बनाना है, उसमें थोड़ा वाटर वाटर डाल देके अच्छी तरह मिला लेके, हमारा ईयर बट रहता है ना उससे वो दानों पर अच्छी तरह लगा दीजिए गाइस। ऐसा ही 3 दिन कर दीजिए, आपको पिजन फॉक्स जरूर कंफर्म कम हो जाएगा। और कोई भी केमिस्ट दुकान में एंटी जेल्स आते हैं, वो आप पूछ को वो भी लगा सकते हो। ये ज़रूर ज़रूर करना है गाइस। ये क्यों आते हैं ये, और दर्वों में आधे लोग नीम के पत्ते डालते हैं, और वो रहते हैं ना नाफ्तलिन गोलियां, वो भी डाल देते हैं उनकी बात से, वो हमारे प्लेस में नहीं आते हैं। ये देखिए गाइस, मैं इनको ग्रिड बनाने ये ले लेकर आया हूँ मिर्ची के सीड्स। बारिश आ गई, वो मैं ग्रिड नहीं बनाया, मिट्टी नहीं बनाया कपूर के लिए, ये डायरेक्ट उनको डाल दिया। ये अच्छी तरह चुग लेते भी है गाइस। ऐसा ही कुछ ना कुछ उनको सभी तरह के सीड्स आप दे दीजिए। ब्रीडिंग भी अच्छी रहती है, उनको कोई भी कमी नहीं रहता है, कैल्शियम वगैरह भी अच्छी तरह मिलते हैं। ये पिजन फॉक्स का माने इलाज ज़रूर करना है गाइस। आपका नीम का पत्ता भी डाल सकते हो, और नाफ्तलिन गोलियाँ भी आपका दर्बों में रखिए, आपके केजों में रखिए, उसकी स्मेल से मच्छर नहीं आते हैं। हम कितना भी कर लो, एक आधा मच्छर आते हैं, वो लड़ते हैं गाइस बच्चों को, पिजन फॉक्स हो जाता है, इसलिए आप उनको ट्रीटमेंट भी देखिए। यहाँ पर देखिए गाइस, मैं बारिश का मौसम शुरू हुआ ना, थोड़े अंडे निकाल दिया हूँ थोड़े पेड़ के नीचे, तो थोड़े पेड़ के नीचे एक एक अंडा रखा हूँ, थोड़े पेड़ के नीचे पूरे निकाल दिया हूँ गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो आपको इंटरेस्ट लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए गाइस। हमारे चैनल को अच्छी तरह आगे बढ़ा दीजिए। थैंक यू। ये अभी थर्ड क्लच का बच्चे है गाइस, ये और ये दो अभी बाहर, ये तो बाहर निकला है, वो अभी बहुत बड़ा होना है। ये सारे खपतर को मैं छोड़ दिया, तब की वीडियो है। यहाँ पर देखिए गाइस, उसको जंगली खपतर को पकड़ा है, उसको टेप भी डाला हूँ, देखेंगे यहाँ पर रुकती है कि नहीं की। देखिए गाइस, ये तो बहुत ही अच्छा मिल गई है मेरे खपतरों में, अच्छी तरह दाने भी चुग लेती है, देखेंगे।